सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 16 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की सब्जेक्ट है सोशल साइंस और टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो देखिए ये प्रीएम्बल है, यहाँ पर दिखाया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। डियर चिल्ड्रन, सम रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड टू रन स्कूल स्मूदली। प्यारे बच्चों, स्कूल को सही रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं, विच यू फॉलो, जो आप फॉलो करते हैं। सिमिलरली, समान उसी तरह, द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज ए डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूदली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ नियम और कानूनों को इकट्ठा किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स विच हेल्प टू रन ए स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। संविधान क्या है? कुछ मूल सिद्धांतों और दृष्टांतों का एक समुच्चय है, योग है, विच जो कि संगठन को या किसी राज्य को चलाने में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री दैट डिटरमाइंस द आउटलाइन एंड मेन फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये एक किसी भी देश का मौलिक कानून भी है, जो ये निश्चित करता है कि किसी देश के सरकार के विभिन्न अंगों को किस तरह से कार्य करना है, उसकी रूपरेखा तैयार करता है। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये देश के नागरिक और सरकार के बीच में एक रिलेशनशिप को भी स्थापित करता है संविधान। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान भारत में लिखा गया सबसे लंबा संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, विच केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब ये क्या है कि, और वो केम इन टू फोर्स, केम इन टू फोर्स का मतलब है लागू कब किया गया। ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नाउ चेक योरसेल्फ, अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन, इम्प्लीमेंटेड का मतलब है लागू किया गया, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, तो हम लिख देंगे 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और अपनाया कब गया था बच्चों भारतीय संविधान, 26 नवंबर 1949 को, पहले अपनाया गया था फिर लागू किया गया था, तो ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डी लिखेंगे, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो ऐसे यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में आएगा 26 जनवरी 1950, सेकंड में 26 नवंबर 1949, थर्ड में फिल करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फोर्थ में 2 years 11 months and 18 days। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर वर्कशीट में ही है, टिक करेंगे। देखिए यहाँ से द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड लाइन में लिखना है, यहाँ से
द लिख लेना आप ऐसे, फिर यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से लिखिए, इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स विच हेल्प्स टू रन ए स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। आप थ्री देखेंगे, आंसर नंबर थ्री, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर भी यहीं पर है। देखिए सेकेंड रो से लिखना है, सेकेंड लाइन से सॉरी, ये देखिए यहाँ पर द लिखा हुआ है बच्चों, इसे आप स्मॉल में है टी को कैपिटल में कर दीजिए। द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज ए डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूदली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये लिखेंगे हम इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।